हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोकोनट शेल का यूज़ करके बनाएंगे पेंसिल होल्डर। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमें नारियल का नीचे का हिस्सा लेना है, जिसमें 3 छेद होते हैं। इसे हम सैंड पेपर की मदद से थोड़ा घिस लेंगे ताकि वो स्मूथ हो जाए। अब वो 3 छेदों को हमें तोड़ना है, तो आप कैंची या चाकू की मदद ले सकते हैं। हम पहले कैंची से ट्राई करेंगे, थोड़ा थोड़ा हुआ कैंची से, फिर हम थोड़ा चाकू से स्मूथ कर देंगे उसको। पर आप ध्यान रखें, जब भी ये करें कोई बड़ों की मदद ले, नहीं तो आपको लग सकता है। अब हम एक कार्डबोर्ड लेंगे और नारियल के शेप में उसे कट कर लेंगे और कॉर्नर में फेविकॉल लगाकर नारियल इस पर चिपका देंगे। अब मैं इस पर पांडा का फेस बनाने वाली हूँ, तो बेस में हम लोग वाइट कलर लगाएंगे। आपको जो भी एनिमल पसंद हो उसका फेस आप इस पर बना सकते हैं। जैसे आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल बटन है उसको दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अब ये कलर सूखने के बाद इस पर हमें आईज और नोज ड्रॉ करना है। इसे हम ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन कर लेंगे ताकि कलर करने में आसानी रहे। अब ब्लैक कलर लेंगे और धीरे धीरे से नोज पे और आईज पे कलर कर लेंगे। ध्यान रहे कि कलर बाहर ना निकले। अब हमें ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड लेना है और इससे हमें उसके कान बनाने हैं। तो इसके लिए हमने एक कॉइन लिया है, इससे हम हाफ सर्कल बना लेंगे और नीचे स्ट्रेट ड्रॉ करके उसका शेप ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे 4 शेप चाहिए हमें, तो हम पेपर को फोल्ड कर लेंगे और चारों शेप एक साथ में कट कर लेंगे। अब चारों पेपर को 2-2 मिलाकर चिपका देना है। इस पेपर को नीचे से हल्का फोल्ड करना है चिपकाने के लिए, ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो देखिए, बन गया हमारा क्यूट सा पांडा। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।